अच्छी सेहत, खान साहब बिल्कुल अच्छी सेहत में हैं और उनकी कहते हैं कि मेरी जेल में बड़ी अच्छी रूटीन बनी हुई है, एक्सरसाइज करने का भी मौका मिलता है और वो जैसे पहले भी हमने बताया कुरान का मुतालिया भी कर रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं, अभी हम कुछ 4-5 किताबें और लेकर आए हैं। तो सेहत के लिहाज से उनको ना कोई खाने की शिकायत करते हैं कि जो जेल का खाना है उससे वो मतमईन है, वो उसके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं करते। लेकिन आज दो केसेस की वजह से था, एक साइफर का था क्योंकि उस पर स्टे ऑर्डर हो गया है हाईकोर्ट से, तो ये उसकी तो सिर्फ एक प्रोसीजर कार्रवाई थी और बाकी वो अटेंडेंस थी और बाकी उसके बाद वो उसके लिए आ गए थे नैब वाले। किसके लिए आए थे? सिर्फ अलकादर के लिए। लेकिन जो खान साहब बात आज कर रहे थे और कल हाईकोर्ट के अंदर भी बात हुई है, बाद में उस पर खान साहब ने कहा उस पर ज़रूर बात करें कि ये वो दफात इनके ऊपर लगाई जा रही हैं जो जज, कल हाईकोर्ट के जज ने भी कहा कि ये ऐसी दफात है साइफर की कि इसमें सजाए मौत भी हो सकती है। अब उम्र कैद या सजाए मौत, अब ये सोच लें कि किस चीज़ के लिए खान साहब पे ऐसा चार्ज लगाया जा रहा है, क्या उन्होंने ऐसा जुर्म किया है जिसके ऊपर एक खदशा है कि सजाए मौत या लाइफ सेंटेंस हो सकती है। तो इसके ऊपर जो डोनाल्ड ल्यू जिनका पैगाम उन्होंने पाकिस्तान भेजा और उस पैगाम को खान साहब ने अब बेहतर समझा कि वो अपने कौम को बताएं, उसके ऊपर राणा सनाउल्ला ने, गौर से सुन लें, राणा सनाउल्ला ने केस किया इमरान खान के ऊपर कि उसने एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो एक सीक्रेट थी वो कौम को बता दी। हाँ, कौम को बता दी। और किसकी सीक्रेट थी? कि जो डोनाल्ड ल्यू ने पैगाम भेजा था। अब डोनाल्ड ल्यू के ख़िलाफ़ अगर आप ये केस के ऊपर ये आगे चलते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, फिर हम डोनाल्ड ल्यू के ऊपर अमेरिका के ऊपर केस करेंगे जाकर। और ये खान साहब से भी डिस्कशन हुई है, डिस्कस किया हमने, और हम सीधा अमेरिका जाके अगर यहाँ इंसाफ देने के हमारे जुडिशरी के ऊपर ये प्रेशर है, जिसका भी प्रेशर है, हम फिर अमेरिका जाके डोनाल्ड ल्यू के ऊपर हम केस करेंगे। ये बताइएगा आपकी आप ऑन एंड ऑफ मुलाकातें तो होती रहती हैं खान साहब से, खान साहब की सदर मुमलकत के हवाले से जो शिकायत थी पहले, क्या वो अभी भी मौजूद है और इलेक्शन के हवाले से क्या? हमारी कोई बात नहीं हुई, हमारी कोई, हम काफ़ी घरेलू माहौल में अपडेट्स ले रहे थे, वो बात नहीं। जो मैंने आपको बताई है ये बात थी, खान साहब ने इसके ऊपर बात की और अब अगली हियरिंग तक देखते हैं। लेकिन साइफर के ऊपर मैं आपको क्लियर कर दूँ, हाँ, और उन्होंने उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकन एम्बेसी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थी। ये बात जो आप कह रही है कि जज ने कहा कि इसके ऊपर सजाए मौत भी हो सकती है, तो आप जज ने नहीं कहा, दफा ऐसी, हाँ जज, हाँ, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कोई कंसर्न शो किया है कि क्योंकि हमारी हिस्ट्री मौजूद है, जुल्फिकार अली भुट्टो जुडिशियल मर्डर का शिकार हुए, तो अभी भी नजर आ रहा है फील्ड में तो इमरान खान का मुकाबला नहीं हो पा रहा, तो ऐसा ना हो कि कोई वही कुलिया दोहराया जाए भुट्टो साहब वाला? अगर ये किसी की कोशिश है तो मेरे ख्याल में वक्त बदल चुके हैं और आपका ख्याल है कि हम यहाँ खड़े होकर ये चीज़ें बर्दाश्त करेंगे तो सबकी गलत फहमी है। और अगर यहाँ इंसाफ नहीं, हमारे कोर्ट्स नहीं दे सकते, तो फिर ठीक है डोनाल्ड ल्यू के पर हम जाके अमेरिका में केस करेंगे। खान साहब क्या सोचते हैं इसके? मैंने अभी आपको उन्हीं का बताया। थैंक यू मैडम।